चैप्टर नंबर 3 का ये मेरा लास्ट टॉपिक है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता क्या है? इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उसका किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, उसको ऐसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहां पे एक रस्सी को बांधा हुआ, हमने अभी एक मूव लगाया है इस पत्थर को बांधा हुआ, इसको हम घुमा रहे हैं दायरे, तो हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है यहाँ से आप कह रहे हैं ये हमारा फिक्स पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास जितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक और राउंड का सर्कल में मूव कर रहा है इधर पत्थर, हम इसको घुमा रहे हैं दायरे के अंदर, तो हमारे पास जो डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट है वो सेम रहता है, ऐसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर किसी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो है ये टॉपिक हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी चीज को दायरे में घुमा कर रखती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो पत्थर है इसको दायरे में घुमा रहे हैं तो ऐसे इस पे दो फोर्स एक्ट कर रही होती है, पहली फोर्स हम पढ़ते हैं जो इसको दायरे के अंदर जो इनवर्ड लग रही होती है हमारे पास, उसको ऐसी फोर्स को जो इनवर्ड लग रही होती है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी, जो अंदर की तरफ खींच रही है स्टोन को, हमारे जो पत्थर लगा हुआ है इसको अंदर तरफ खींच रही है, तो ऐसी जो फोर्स लग रही होती है इसको कहते हैं फोर्स ऑफ टेंशन, भी आप कह सकते हैं मान लीजिए टेंशन की फोर्स ऑफ स्प्रिंग बिटवीन स्प्रिंग एंड बिटवीन द पॉइंट दिस वन एंड स्टोन के दरमियान जो टेंशन की फोर्स है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अंदर की तरफ इनवर्ड की तरफ की आप मान लीजिए इनवर्ड लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद अगर आप देखें तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू हमारे पास रिमेन सेम रहेगी थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, अगर वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी तो हमारे पास आप देख सकते हैं हमारी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है, इसमें हमारे पास जो पत्थर की जो हमारे घुमा रहे इसको यहाँ पे कुछ चीज हमने ट्राई की हुई है तो उसको घुमा रहे तो हमारे पास जो डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है थ्रू आउट द मोशन, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसको हम डिनोट करते हैं सिंपली एफ सी से, इसको डिनोशन है जी एफ सी से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में हमारे पास ए सी से इसको डिनोट करते हैं और उसके बाद वी का स्क्वायर ओवर आर हमारे पास आर का रेडियस है यहां पे ये रेडियस होगा इनका, तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वी स्क्वायर ऑफ आर के इक्वल होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, तो एक फोर्स आउटवर्ड लग रही होगी जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वो इसको आप डिनोट कर सकते हैं कि एफ आर से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप एफ आर से डिनोट कर सकते हैं सिंपली। तो जो आउटवर्ड की तरफ फोर्स लग रही है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना हो तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो स्टोन है ये अंदर आउटवर्ड इनवर्ड जो नीचे की तरफ आता है ये दायरे के अंदर मूव नहीं करता रहेगा, ऊपर के ये कहीं गिर जाएगा। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ना भी लाजमी है किसी भी चीज को दायरे में घुमाने के लिए। ठीक है, सिंपली आप कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है। यहाँ पे हमारे पास जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो आप कह सकते हैं कि फिर आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बी स्क्वायर और एम बी स्क्वायर और नेगेटिव साइन साइन जो शो करेगा कि इसकी डायरेक्शन है अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है इसकी, जो एप्लीकेशन देंगे बैंकिंग ऑफ रोड में ऐसा होता है कि जो ट्रैक जो होता है राउंड ट्रैक रखा जाता है, यहाँ पे हमारे पास अगर कोई मोड़ आ जाता है राउंड ट्रैक पे तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होगी जो उसको दायरे में यानी कि उसको राउंड ट्रैक में घुमाने के लिए जरूरी होगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो वो स्पीड ऑफ जो एक्सीडेंट हो सकता है वो सीधी स्ट्रेट लीनियर मोशन में वो आगे चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक राउंड ट्रैक है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक कार जा रही है, अगर कार जा रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसने सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होगी जो इसको इनवर्ड की तरफ खींच के रख दे। तो अगर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कहाँ से प्रोड्यूस होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड जो होगी उसकी वजह से प्रोड्यूस होगी। अगर फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड नहीं होगी तो हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमारे पास ये जो कार है ये मूव करने की अगर ये सीधा हो जाएगी एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए हमें जो इसको मूव कराती रहेगी यहाँ पे हमारे पास नेसेसरी फ्रिक्शन की फोर्स होती है जो इसको इनवर्ड घुमा के रखती है कि हमें आसानी होती है मोड़ काटने में। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आप देखते हैं कि जब बारिश वगैरह होती है या फिर क्या नहीं कि कोई ऑयल वगैरह गिरा हुआ रोड पे तो रोड ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, रोड स्लिपरी होने की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसको आप कह सकते हैं फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो जाती है जब बारिश होती है या फिर कोई ऑयल वगैरह गिरा होता है रोड पे, तो जो फ्रिक्शन होती है फ्रिक्शन वो कम हो जाती है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए और क्या कहते हैं जी जो राउंड ट्रैक का जो वॉशिंग मशीन ड्राई घर में जो आम यूज होती है ड्राई करने के लिए क्लॉथ जो भी वेट क्लॉथ होते हैं उनको ड्राई करने के लिए वॉशिंग मशीन ड्राई इस्तेमाल होता है। उसमें सिंपली होता क्या है वॉशिंग मशीन ड्राई में एक सिलेंडर लगा होता है अंदर की तरफ और बहुत सारे
सुना या बोल सकते हैं जी। जब हम वेट ग्लास को हम वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं तो उसके बाद वो डेढ़ ग्लास तैयार होती है वाटर की एक्सिस, तो जो पानी होता है जो आप देख सकते हैं जो कपड़े होते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड की तरफ मूव करते हैं और जो पानी होता है वो होल्स के होल से बाहर निकल आता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है जी वॉशिंग मशीन ड्राई, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पानी होता है वो आउटवर्ड मूव करके होल से बाहर निकल जाता है तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन इसकी क्रीम सेपरेटर, यानी कि दूध और क्रीम को अलग, दूध से क्रीम को अलग करना। वो कैसे होता है हमारा एक डिवाइस है जिसमें हम दूध डालते हैं तो जो दूध के अंदर जब इसको घुमाया जाता है फिर इसको रोटेशन दी जाती है जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो आउटवर्ड मूव कर देते हैं, जो लोअर पार्ट जो हल्के पार्टिकल जो होते हैं वो ड्राई के जो सिलेंडर की तरफ यहाँ पे वो इनवर्ड टू द एक्सिस ऑफ पेशेंट वो मूव कर देते हैं। जैसे इस तरह हम हैवी पार्टिकल्स को जो बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव कर देते हैं उनको अलग कर सकते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो सिलेंडर की तरफ इनवर्ड मूव करते हैं।